हाय गाइस तो आज का मेरा वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लोगों की तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट मिली है क्योंकि ये दिखाता है कि कितने बड़े अहदे पर हम सब जागरूक हो रहे हैं कितने बड़े अहदे पर अवेकनिंग जो है वो हो रही है क्योंकि अगर आपको याद होगा मेरी कुछ वीडियो पहले कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो करी थी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी उसमें मैंने एक कार्ड का विशेष यू नो एक्सप्लेनेशन किया था जो कार्ड था रिगार्डिंग स्टार मदर ओके okay, तो स्टार मदर के कार्ड के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है एंड स्टार मदर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको अपने लाइफ में लाने के लिए आपको उसको पूरो, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा एंड आई वाज नॉट श्योर कि कितने लोग इनर वर्क करने में इंटरेस्टेड होंगे तो आई एम रियली हैप्पी गायस कि मुझे इतने लार्ज नंबर्स में आपके रिक्वेस्ट्स आए कि मैं स्टार मदर पर एक वीडियो बनाऊँ और uh, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी के लिए जिन्होंने वो वीडियो पहले देखी है अगर आपने नहीं देखी है तो भी मैं आपका आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लेकिन मैं आपको जस्ट बता देती हूँ स्टार मदर के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इसका जो उपाय है वो हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं तो गई ये मैं आपको कार्ड पहले दिखा देती हूँ ये है द वर्क दॉर्क लाइट औरिकल कार्ड्स डेक से रिबेका कैम्बल ये दिस इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट डेक्स बाय डैनियल नोयल तो ये मेरी आ, सबसे पहले मैंने जो टैरो कार्ड्स परचेज की थी उनमें से ये एक मेरे सबसे फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और कार्ड्स डेक है जिससे मैं वर्क करती हूँ इनसे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो इसी डेक से एक कार्ड था गाइज जो है स्टार मदर का तो स्टार मदर का कार्ड यहाँ पे दिखाता है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ तो यहाँ पे इस इसके जो इसके साथ जो गाइडबुक आती है उसमें जो डेफिनेशन था स्टार मदर का उससे कहीं ज़्यादा मुझे डाउनलोड मिला है स्टार मदर के लिए तो इसी मैं हमेशा कार्ड को एक्चुअली कभी भी कार्ड को मैं आ, सिर्फ गाइडबुक से रीड नहीं करती हूँ मैं इंट्यूटिवली भी रीड करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी से स्पिरिट की एनर्जी से डाउनलोड्स जैसे होते हैं मैं वैसे रीड करती हूँ तो गाइज़ स्टार मदर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको ये दिख रहा होगा हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ अब इस चीज़ को बोलना बहुत आसान है कि यू हैव टू मदर योर सेल्फ मतलब मतलब कि आपको खुद का ध्यान रखना है जैसे कि आपकी माँ का ध्यान रखती थी अभी बहुत से लोग कहेंगे कि माँ जैसा ध्यान तो हम कोई भी नहीं रख सकते अपना एंड uh, बहुत से लोग बोलते होंगे कि इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ अ मदर वो दैट्स डेफिनेटली एन इमोशन लेकिन यहाँ पे जो आइडिया है गाइस, वो यही है कि आपके फर्स्ट एंड फोरमोस्ट केयर टेकर जो हो वो आप खुद हो राइट right? आपके प्राइमरी केयर टेकर बहुत बचपन में आपके माता पिता हुआ करते थे अभी रेस्ट ऑफ द लाइफ में आप अपने खुद के केयर टेकर हो तो अभी आपको जो करना है जो बहुत से लोग नहीं करते हैं वो ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील करना है स्टार मदर का कार्ड उसी को बताता है अगर किसी के रीडिंग में स्टार मदर का कार्ड आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि उनका उनके मदर के साथ रिलेशन हो सकता है अच्छा नहीं रहा हो होता है गाइस काफ़ी बहुत सारे केसेस में होता है और या फिर तो हो सकता है कि उनकी मदर हो ना उनके लाइफ में अभी आ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उनकी फेमिनिन साइड फेमिनिन ऊर्जा लाइक मदर की ऊर्जा उनमें डिस्टॉर्टेड होती है तो इसको आप कैसे हील कर सकते हो तो इसको हील करने के लिए सबसे पहले ही चीज़ जो आपको करनी है ख़ुद को फरगिव करना है ओके सो नंबर वन इज़ आपको आपने अभी तक जो जो किया है आपको सही लगता हो गलत लगता हो आपको शर्मिंदगी आपकी किसी चीज़ पे महसूस होती हो आपको उन सब चीज़ के लिए खुद को फर्गिव करना है और ख़ुद को टैम्पर करना है बोलना है चलो ठीक है हो जाती है गलती बच्चे से यू नो नॉट इन आपको रियली really मीन करना है यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि ये जो मदर की एनर्जी है इसको आपको एम्बॉडी करना है मतलब कि इस इसमें आपको ढलना है और ख़ुद को वो ट्रीटमेंट देनी है उसी से आपकी मदर वोड हील्ड होगी ओके okay? और ये मदर वुल्ड हील जब तक नहीं होगी मैं बता देती हूँ आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी उस उस पैटर्न को रिपीट करेगी मतलब स, सोच लीजिए समझ लीजिए कि आप कोई मेल हो अगर आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा हो तो आप किसी ऐसी फीमेल को अट्रैक्ट कर गई हो हो सकता है कि जो आपसे एज में काफ़ी बड़ी हो क्योंकि आप सबकॉन्शियसली उस 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 गैप को फिल करने की कोशिश करते रहोगे और यहाँ पे भी उसी बात को दोहराया गया है कि अगर आप फीमेल हो तब भी आप किसी ऐसे मेल को ट्रैक करोगे जिनसे आपको लगता है कि आपको एक फेमिनिन ऊर्जा मिल रही हो या फिर बहुत ही केयरिंग बहुत ही ऊर्जा मिल रही हो या जो भी आपका वुंड था आपकी मैटरनल फिगर के साथ वो रिपीट हो रहा हो तो गाइस आज हम देखेंगे हालांकि मैं आज टैरो रीडिंग नहीं करने वाली थी फिर भी मुझे लगता है कि आपके लिए आपके सबकॉन्शियस के लिए जिन लोगों ने भी ये वाली वीडियो रिक्वेस्ट की थी या इन फ्यूचर इन वी, इस वीडियो को देखेंगे उनके सबकॉन्शियस वूंड को जांचने परखने के लिए मैं एक छोटी सी टैरो रीडिंग करूँगी और देखूँगी कि आप कि किस एरिया में आपको हीलिंग की ज़रूरत है हालांकि उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाए क्योंकि जो जिन लोगों को मदरवुड रहते हैं रहता है वो अक्सर खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं वो खुद को कोसते रहते हैं बहुत ज़्यादा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपको जो है एक कहीं पे एक डेफिसिट हुआ है उस चीज़ को आपको फुलफ़िल करना है ये आपको पता होगा कि आपकी फिगर उन मैटर्नल फिगर के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहा हो लेकिन अगर आपको लगता है कि उस जगह पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको पहले उस पर्सन को माफ़ करना है फिर खुद को माफ़ करना है अगर मैं तो कहती हूँ उस पर्सन को माफ़ करो या ना करो खुद को माफ़ कर दो पहले ठीक है ख़ुद को माफ़ कर दो जो भी हुआ है जो भी आप करते हो उसके लिए ख़ुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना सीखो ये बात अंडरलाइन कर लो गाइस खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो कोई भी जैसे माँ हमको एक्सेप्ट करती है ना किसी भी कंडीशंस uh, के यू नो कंडीशंस के अलावा लाइक like कोई भी कुछ भी कर ले आप वो आपको डांटेंगी कोसेंगी फिर एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि आप तो हो ही उनके अंश तो इसी तरह से आपको ख़ुद को भी ट्रीट करना है अगर आप स्टार मदर आ, आपकी रीडिंग में आता है तो आपको आप, अपनी मदर वुंड को हील करना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी रिलेशनशिप्स में अगर इस वुंड को आप हील नहीं करते हो तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा गाइज और जी हाँ तो मैं टैरो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टैरो काज है और मोमेंट्स बाय कैथरीन वेल्सटेन बहुत ही ज़्यादा आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट ये काज मेरे को बहुत पसंद है तो इन ओरिकल काज से हम देख लेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन जिन लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की थी व्हाट्स गोइंग ऑन किस चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है वाह लॉर लाई अच्छा तो इसको मैं रिवर्सल्स में रीड नहीं कर रही हूँ नंबर थर्टी वन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो यहाँ पे जैसे आपको कंट्रोल देख रहे हैं कैसे ये लड़की डिसाइड कर रही है कि ये जहाज डूबेगा या उभरेगा तो यहाँ पे जिस जिस जैसे किसी को आ, जो कोई कंट्रोल्ड फील कर रहा है या आपको शायद लगता है कि आपकी किस्मत की डोर किसी और के हाथ में है पावरलेस फील करना यू you नो know, जिसको कहता है कि एज uh, इफ uh, आपको आपको पावरफुल फील नहीं होता यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ये भी एक टाइप का मदर वंड होता है गाइज और मदर वंड नहीं तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ वंड जो होता है व्हेन यू डोंट हैव अ फीमेल फिगर होम यू कैन लुक अप टू माय डियर फ्रेंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है तो इससे मुझे पता चलता है कि आपको जो है ना नंबर फोर्टी सेवन इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए किसी के आ, किसी का एज हो सकता है फोर्टी सेवन आप ना ख़ुद से दोस्ती कर लो काइ खुद से दोस्ती करना शुरू कर दो क्योंकि आ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा अवेलेबल है जो कह रही है कि जब आप खुद से दोस्ती कर लोगे ना तब आपको कोई रोक नहीं सकता बहुत ही लंबी आपकी जर्नी रहेगी और उसमें जब आप आप खुद की दोस्त बन जाओगे तब आपकी सब रास्ते खुलने लगेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे एक और कार्ड है जहाँ पे उस लड़की ने इसको बांधा हुआ है एक डोरी से और यहाँ पे इस कार्ड में उनका जर्नी कंप्लीट होता है तो इस कार्ड से मुझे यही पता चलता है कि आपको जो है ना आपकी बहुत लंबी जर्नी होने वाली है और आपकी बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहने वाली है आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लेकिन आपको क्या करना है आपको पहले तो खुद से दोस्ती करनी है बहुत ही आ, यहाँ पे भी ऐसी ऊर्जा है जिफ आ, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है हो सकता है कि आपके लाइफ में कंट्रोलिंग कोई फिगर रहा हो बहुत ज़्यादा या फिर अभी भी हो लेकिन आ, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो क्यों क्योंकि ये देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है नंबर थर्टी नाइन माय होम इज़ माय कासिल मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपने ना आपने अपने इनर वर्ल्ड बना लिया है अपना खुद का जिसमें आप बहुत फ्री महसूस करते हो सिक्योर महसूस करते हो बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ड हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी जो ये इनर वर्ल्ड है ना वो आपके आउटर वर्ल्ड को ये देखिए कैसे एक कैसल इसका कैसल बिल्ड हुआ है यहाँ पे फिर एक कैसल उसने अपने हाथ में बनाया ये आपका आपका जो इनर वर्ल्ड होगा आपकी जो हीलिंग जर्नी होगी वही आपको आउटवर्ड सक्सेस देगी वही आपकी दुनिया में आपकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होगी यू you नो know? तो आपकी बॉटम ऑफ द डेक में ओके uh, okay. आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है प्योर नेचर यस तो ये कार्ड तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये बता रही है कि आप जैसे पहले थे इनर uh, चाइल्ड के बारे में यू you नो know? जब आप बचपन में जैसे प्योर थे जैसे इनोसेंट थे उस इनोसेंस के साथ लेकिन विजडम के साथ आपको आगे बढ़ना है क्यों क्योंकि ये जो लड़की है ये बच्ची नहीं है एंड एट द सेम टाइम शी हैज़ द प्योरिटी ऑफ नेचर ओके आपको इस तरह से यू हैव टू आपको आ, आप आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है गाइज इनर चाइल्ड को हील करना है इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आपको जो करना है ये ही मैंने बताया अभी इस चीज़ को ये स्टार मदर का कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को उठा के आप स्टार फादर पे मतलब आपके फादर वल्ड या पेट्रीर्कल वल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो जो भी है जहाँ से भी आपको ल हॉड या फिर यू uh, नो you know, अगर आपकी तनाव रहा हो किसी भी रिलेशनशिप में उसमें आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इनर चाइल्ड ही्ड नहीं है तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते रहोगे अगर आप सोच रहे हो अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैं सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ या मेरे साथ ही क्यों ऐसे मैनिपुलेटिव लोग मेरे पास क्यों आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि कोई एक वुंड है कुछ हुआ था जो जिस जो हील्ड नहीं है अपने आप के अंदर तो इस चीज़ को आपको समझना है आपको खुद से दोस्ती करनी है दोबारा अपने इनर कैसल को बिल्ड करना है आपकी प्योरिटी को बाहर लाना है और अपने आप को हील करते हुए आपके रिलेशनशिप्स को सुधारना है इस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है कि ये नींव होगी आपकी आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को सुधारना चाहते हों तो डेफिनेटली आपको इनर वर्क करनी पड़ेगी आपके इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा आपकी मदर वुड को आपकी फादर वुड को हील करना पड़ेगा तो एंड uh, में मैं और मैं मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी गैस <laughs> मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं थोड़े और मैसेजेस देखूंगी डिवाइन की तरफ से आपके लिए और उसके बाद ही हम इस रीडिंग को या फिर कह सकते हैं कि uh, इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि ये रीडिंग होने नहीं वाली थी लेकिन चलो हो गई अच्छा ही हुआ तो आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं जो भी इस रीडिंग को देखेंगे उनके लिए मैसेजेस यस कृष्णा डिवोशन ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस योर कमिटमेंट हैज़ बिन यू आर लव्ड अनकंडीशनली ये देखिए यू आर लव्ड अनकंडीशनली मैं आपको क्या बोल रही थी आपको खुद को बिना किसी कारण के प्यार करना है अनकंडीशनली प्यार करना है यहाँ पे आपकी गाइडेंस ट्रस्ट ऑर स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से उस पर भरोसा रखे खुद से बि, बिना मतलब के प्यार करें और यही आपकी गाइडेंस है गाइस और एक मैसेज कृष्णा ब्यूटिफुल एनर्जी आपको इस चीज़ को अपने लाइफ में ज़रूर लेके आना है गाइस आपको खुद से अनकंडीशनली प्यार करना है ओके okay. इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी एक ही कार्ड लूंगी होली एमेथिस डिवाइन एल्कमी मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर क्योंकि चैलेंजेस तो अभी हैं जब तक आप हील नहीं होंगे चैलेंजेस रहेंगे लेकिन आपको मैनिफेस्ट क्या कर, आपको फोकस किस पे करना है कि आपकी हीलिंग पे आपकी हीलिंग हो रही है या नहीं उस चीज़ पे आपको फोकस करना है एक और लास्ट मैसेज एंजल्स थैंक यू यस ये देखिए कार्म रिलीजिंग मूव बियॉन्ड ड्रामा क्रिएट योर ओन पाथ मेक रूम फॉर गुड एनर्जी कर्मा रिलीजिंग ये सब जो है कर्मों का खेल है आपको पता है इस जो भी बैड कर्मा आपके साथ रहा हो उस सब को आपको हील करना है रिलीज करना है कैसे करेंगे फॉरगिव Forgive करके फॉरगिवनेस ही एकमात्र उपाय है इस चीज़ को रिलीज करने के लिए आपको कर्मा को रिलीज करने को कहा जा रहा है आपको अनकंडीशनली खुद से प्यार करने को कहा जा रहा है गाइस तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड डेफिनेटली आप को आप मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग या फिर इस रिलेटेड वीडियो एंड मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय